दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा जेनर डायोड रहता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कितना वोल्टेज का जेनर डायोड है, क्योंकि जेनर डायोड में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है कि ये इतना वोल्टेज का जेनर डायोड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेनर डायोड को चेक करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाई स्टेप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मेरे पास एक 5 वोल्ट का जेनर डायोड है, तो हम लोग अभी इसको चेक करके देखेंगे। तो देखिए मेरे पास एक दूसरा भी जेनर डायोड है, इसका वैल्यू है 8 वोल्ट। तो इस जेनर डायोड को चेक करने के लिए आपके पास एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई होना चाहिए। देखिए मेरे पास एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, तो इसका वोल्टेज मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करा देता हूं। और इस पावर सप्लाई में जो येलो वाला वायर है वो पॉजिटिव के लिए है और ब्लू वाला वायर नेगेटिव के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी आपको एक 10k का रेजिस्टेंस ले लेना है। चलिए इसको भी मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। देखिए मीटर पर 9.72 के दिखा रहा है, मतलब लगभग 10k का रेजिस्टर है। अभी मैं मीटर को फिर से 20 वोल्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आपको इस रेजिस्टर को जो पावर सप्लाई है उसका जो पॉजिटिव वायर है उसके साथ आपको कनेक्ट कर लेना है। अभी आपको वो वाला जेनर डायोड ले लेना है जिसको आप लोग चेक करना चाहते हो। तो देखिए मैं इस जेनर डायोड को चेक करना चाहते हो तो मैं इसको ले लेता हूँ। अभी ये जो जेनर डायोड है इसका जो ब्लैक साइड है, मतलब जिस साइड में ब्लैक ब्लैक देखिए मार्क किया हुआ है, इसको आपको उस रेजिस्टर का दूसरे लेग के साथ कनेक्ट कर लेना है। अभी ये जो जेनर डायोड का दूसरा लेग है इसको आपको कनेक्ट कर लेना है पावर सप्लाई का नेगेटिव के साथ। देखिए हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको मल्टीमीटर लेना है और उसको 20 वोल्ट में सेट करना है। अभी जैसे आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हो ठीक उसी तरह से आपको जेनर डायोड का दो लेग में वोल्टेज चेक करना है। तो देखिए 5.3 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब जो भी वोल्ट यहाँ पर दिखाएगा वही आपका जेनर डायोड का वोल्टेज है। 5.3 दिखा रहा है इसका मतलब है 5 वोल्ट का जेनर डायोड है। तो चलिए अभी हम लोग दूसरा जेनर डायोड भी चेक करके देख लेते हैं। हम लोग इसको भी पिछले वाला की तरह कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जेनर डायोड को बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए अभी 7.92 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये 8 वोल्ट का जेनर डायोड है। तो इस तरह से आप जेनर डायोड को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 10k का रेजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं? रेजिस्टर के बिना भी तो हम लोग जेनर डायोड को चेक कर सकते थे। नहीं, अगर आप लोग रेजिस्टर के बिना जेनर डायोड को चेक करने जाएंगे तो जेनर डायोड तुरंत हीट होकर खराब हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।